महत्वपूर्ण जो भूमिका निभा रही हैं, मैं उनका बहुत ही स्वागत करना चाहता हूँ। देश भर में जाता हूँ, अनेक महाविद्यालयों में जाता हूँ, विश्वविद्यालयों में जाता हूँ, और मैंने देखा है छात्र संसद के आयोजन भी देखे हैं, लेकिन मैंने ये पाया है कि एक बहुत ही रस्मी औपचारिकता सी होती है और उसके बाद वो आयोजन समाप्त हो जाता है। मैं महाराष्ट्र के बारे में मेरी अलग धारणा है, कमोबेश हर शहर में छात्र संसद की एक जो परंपरा है वो बड़ी गरिमा वाली परंपरा है, चाहे वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट्स हों, चाहे वो कोई और दूसरे विभाग में, दूसरे संकाय में, दूसरे फैकल्टी के स्टूडेंट्स हों। जो हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत है वो एक अच्छे लोकतंत्र में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक जागरूक इंसान बनने की, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के जो संस्थान हैं वो ऐसा कर पा रहे हैं। और इसीलिए कभी कभी मुझे याद आता है कि वो जो कहा जाता है कि अब तो कोई ऐसा मजहब चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, कोई समाज ऐसा नहीं होता है जिसके अंदर कमियां ना हो, लेकिन अपनी कमियों को सुधार कर जब हम आगे बढ़ते हैं वो समाज हमेशा पूरे संसार में अपनी गतिविधियों से लोगों के सामने आदर्श पेश करता है। आज का जो विषय है लीडरशिप क्राइसिस का अर्थ हम कैसे लगाते हैं, मैं नहीं जानता आप लोग अपने बचपन में कभी ज्वाइंट फैमिली में रहे हैं या नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने बचपन में ज्वाइंट फैमिली में जरूर हम लोग रहे हैं, और ज्वाइंट फैमिली का एक कल्चर होता था, देखते थे कि लंबा परिवार है, 30-40 लोगों का परिवार है, एक ही चूल्हा होता था, एक ही चूल्हे पर 40 लोगों का खाना बनता था, और एक कोई मुखिया होता था जो घर का सबसे अमूमन जो घर का सबसे बुजुर्ग होता था वो मुखिया होता था, और वो उस तरह की संचालन जो घर का होता था, परिवार का जो संचालन होता था वो उसके हाथ में होता था। आप कह सकते हैं कि बचपन से जो लीडर का जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग बचपन से उस तरह जो सबकी चिंता करता है, सबका भला सोचता है, सबका कुशल मंगल सोचता है, सबका पालन पोषण करता है, सब अंधेरे में रोशनी दिखाता है, वो जो हमको प्रेरणा देता है, हम लोग एक कहावत आप लोगों ने बचपन में बहुत सुनी होगी कि संस्कार पढ़ते हैं, तो जो संस्कार पढ़ते हैं वो हमारे अपने घर से पढ़ते हैं। जब हम पढ़ने लिखने के लिए बाहर निकलते हैं तो हमारा स्कूल, हमारी सोसाइटी वो संस्कार देती है, और जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू करते हैं तो वो जिंदगी हमें हमारे अंदर संस्कार क्या है यानी जीने का तरीका सिखाता है। इन्हीं संस्कारों में हमारे लीडर पलते थे, बनते थे, बढ़ते थे। आज तो लीडर बनने के लिए लोग लीडर बनते हैं, लेकिन आपको याद है हम नागपुर में खड़े हैं और नागपुर से बहुत पास सेवाग्राम, आप में से कितने लोग सेवाग्राम गए हैं, हाथ उठा सकते हैं? बड़ी संख्या में सेवाग्राम गए, और सेवाग्राम जो प्रतीक है वो हमारे राष्ट्रपिता का, महात्मा गांधी का। वो लीडर बनने के लिए लीडर नहीं बने थे, ना ही वो लीडर बनना चाहते थे, हमने अपने दिलों में, उन्होंने जो काम किया हमने अपने दिलों में उनको एक राष्ट्रपिता की जगह दे दी। कोई तो कारण होगा, कोई वजह तो होगी। मुझे याद आता है वर्धा में एक बार वायसराय आए, और उस जमाने में जब अंग्रेजों की जो अत्याचार थे वो बहुत जोरों पर थे,
छोटी छोटी चीजों पे फांसियां जो लगा देना दे देना बहुत आम था। जब वो आए तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक दिन रुके तो महात्मा गांधी जी बाहर चारपाई पर सोते थे सेवाग्राम। वायसराय का भारत का सर्वोच्च पद, बरतानवी हुकूमत का एक सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव, तो उसके लिए जो उसका प्रोटोकॉल था उसके सेक्रेटरी से उन्होंने कहा वायसराय कहाँ सोएंगे। बापू ने कहा एक चारपाई यहां लगा देते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे सेवाग्राम में बापू के बारे में एक चारपाई वायसराय की लगी और रात भर वो सोए। तो इतना बड़ा कद किसका हो सकता है। वायसराय ने कहा कि गांधी जी यहां आपके पास कोई फोन नहीं है और मैं हॉटलाइन लगाना चाहता हूं। हॉटलाइन समझते हैं आप लोग, कितने लोग समझते हैं। हॉटलाइन वो होती है जिसमें आप एक तरफ से रिसीवर उठाते हैं और सीधे डेडिकेटेड लाइन जिसको आप कह सकते हैं जिससे आपको बात करनी है उसके कमरे में अगर वो फोन रखा हुआ है तो वहीं घंटी बजेगी और वो फोन उठाएगा। तो गांधी जी ने कहा मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे हॉटलाइन की कोई जरूरत नहीं। वायसराय ने कहा गांधी जी मुझे जरूरत है, मुझे आपसे बात करने की जरूरत है। और मैंने उदाहरण ये इसलिए बताया कि ये हम हिंदुस्तानियों के दिलों में नहीं, वो एक गोरा अधिकारी जो अंग्रेजी हुकूमत का सबसे बड़ा प्रतिनिधि था वो ये बात कह रहा था कि कितनी बड़ी स्थिति गांधी जी की थी आपने सोचो। तो ऐसे लोग अपने कामों से, क्यों गांधी जी ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, वो हमेशा अपना काम करते। एक और नाम आता है जब हम नेताजी कहते हैं, आप लोग नेताजी जब मैं कहता हूं तो आप लोगों के अंदाज आपके जहन में आपके दिमाग में कोई तस्वीर उभरती है कौन। सुभाष चंद्र बोस मुझसे भी पहले की पीढ़ी के और उससे भी पहले की पीढ़ी के और उससे भी पहले की पीढ़ी के लोग नेताजी नेताजी हैं। आप भी जान रहे हो, हम भी जानते हैं, हमसे वरिष्ठ पीढ़ी के लोग भी जानते हैं। क्यों, नेताजी लीडर बनने के लिए नहीं पैदा हुए थे और ना ही उन्होंने लीडर बनना चाहा। आजादी के लिए जिस तरह का संघर्ष उन्होंने किया देश के लिए, तुम मुझे फोन दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो एक लीडर आप कल्पना कर सकते हैं 43 में, अगस्त 43 में जर्मनी से लेके जापान तक समंदर के अंदर पनडुब्बी की यात्रा 90 दिन की भारत की आजादी के लिए 90 दिन की। आज भी वो एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कोई तोड़ नहीं पाए। बहुत लंबी कहानी है नेताजी के बारे में, कभी होगा तो फिर आपको बताऊंगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि गांधी जी हों या नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, ये कोई लीडर बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे। जो उन्होंने काम किया हमने उनको दर्जा दिया। इसी तरह से एक और नाम देखिए कैसे आप, मैं जब कहता हूं सरदार कौन सा चेहरा आपके दिमाग में आता है। भगत सिंह, सरदार भगत सिंह। लीडर वो होता है जो कालजयी होता है अपने कामों के कारण। अफसोस की बात है बच्चों, भगत सिंह को हम उतना नहीं समझ पाए जितना हमें समझना चाहिए। हमने उन्हें सिर्फ क्रांतिकारी मान लिया कि असेंबली में उन्होंने बम फेंका था और उसके बाद उनको फांसी हुई। लेकिन जो इंसान अपनी भरी जवानी में चला गया हो वो क्या लिख के गया है, क्या विचार दे के गया है अपने समाज को, आपने कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। सरदार भगत सिंह ने जो लिखा है उसको आप जो 16 साल की उम्र में, 16-17 साल की उम्र में उसको 8 भाषाओं का ज्ञान था।
दुनिया भर के सारे ग्रंथ वो पढ़ चुका था, तमाम भाषाओं के ग्रंथ वो पढ़ चुका था, और तब उसने जो लिखा वो लिखा होगा आपको कहीं भी मिले जरूर पढ़िएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि आजादी के बाद हमने जिस तरह का देश बनाया है, कुछ समय तो ऐसे नेता हमारे पास थे, हमारे सामने थे, जो अपने कार्यों से, अपनी अपनी छवि से, अपने सोच से वो लीडर बनते रहे और हम, हमारा समाज, हमारा देश उन्हें सम्मान देता रहा। कैसे सम्मान देता रहा? नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे, लोगों को आज हम ये तो हम सुनते हैं कई बार कहते हैं कि नेहरू जी सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं करते थे, गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं करते थे, इस तरह से इतिहास को परोसा जा रहा है। क्या आपको पता है कि सिंगापुर में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली सभा की थी उसमें महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता उन्होंने संबोधित किया था, पहली बार उन्होंने गांधी ब्रिगेड बनाई थी आजाद हिंद फौज की, उन्होंने नेहरू ब्रिगेड बनाई थी। तो रिश्ते ऐसे होते थे उस दौर के नेताओं के। और 1937 में यानी आजादी के 10 बरस पहले आज जो भारत ने जो रफ्तार 70 साल में जो डेवलपमेंट किया है उसकी नींव कब पड़ी थी? कहा जाता है कि इस देश में 70 साल में कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ है? 1946 में परमाणु ऊर्जा आयोग ने काम शुरू कर दिया था, अंत इसरो ने काम कर दिया था 50 के दशक में, सारे जितने बड़े उद्योग आपके देश में हैं सब 50 से 60 के दशक में लग गए थे। 60-56 के दशक में हमारे पास, हमारे देश में ऐसा अकाल आया था कि खाने के लिए लाले पड़ गए थे, और तब हमें दूसरे देशों के आगे हाथ झोली फैलानी पड़ी, हमको अनाज नहीं मिला। लेकिन जब, जैसे अभी मैडम जिक्र कर रही थी, श्रीमती गांधी आती हैं और वो हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन लाती हैं,